ठगी कर ट्रांसफर करा कर एटीएम से पैसे निकालने वाला श्वातर बदमाश गिरफ्तार। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक श्वातर ठग को गिरफ्तार किया। एसपी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अलवर शहर में एटीएम बदलकर रुपए निकाल ठगी कर संदिग्ध बैंक अकाउंटों से पैसा ट्रांसफर करने वाले ठग की सूचना मिली है, जिस पर पुलिस टीम मनुमार्ग पहुंची, जहां एटीएम के पास में एक लड़का संदिग्ध घूमता हुआ मिला, जिसको डिटेन कर पूछताछ की गई व तलाशी ली गई। उसके पास से अलग अलग बैंक में 26 एटीएम बरामद हुए। पूछताछ में संदिग्ध ने बताया कि लोगों से ठगी कर जो पैसा आते हैं उनको अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर कर एटीएम से पैसे निकालते हैं। आरोपी युवक नवीन गोस्वामी अलवर के बिगड़तराहा का निवासी है। कोतवाली पुलिस ने एक संदिग्ध को जो मनु मार्ग पर एक एटीएम है महिंद्रा कोटक का, उसके पास में एक व्यक्ति मिला जो संदिग्ध उसकी एक्टिविटीज थी उसको दस्तयाब किया, तो उसमें जांच पड़ताल की गई तो उसमें 26 एटीएम पाए गए। तो उसके बारे में हालांकि मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो ये एटीएम कैसे आए और इससे प्रतीत होता है कोई ना कोई गैंग का हिस्सा है, जो लोग इस ठगी में शामिल है पैसे की में, उनके पैसे एटीएम से निकाल करके उनको पहुँचाने का काम करता होगा, इस तरह का मामला प्रतीत होता है। सभी बैंक होंगे, ऑलमोस्ट नेशनलाइज बैंक भी है, अपनी प्राइवेट बैंक भी है, सभी बैंक होंगे। 26 एटीएम। इस आरोपी का नाम नवीन गोस्वामी, पुत्र श्री परमचंद, उम्र 27 साल, जाति घुसाई, निवासी खोटेटा कला, पुलिस थाना बगड़तराया, अलवर का रहने वाला है। अब ये प्रेम एफ एस ये रिवील कर रहा है कि ये जो साइबर फ्रॉड में या ठगी में शामिल है, जिनका पैसा बैंक में आता है उनको निकाल करके उनके मूवमेंट में ऐसा रहता है इसका।